नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। यूपी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। कासगंज में 26 जनवरी को हुई एबीवीपी की तिरंगा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि तिरंगा यात्रा जब मुस्लिम इलाकों से गुजरी तो वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसको लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और उसके बाद दो गुटों के बीच हिंसा हो गई। लेकिन सवाल यह है कि एसआईटी तो इसकी जांच के लिए बना दी गई है, लेकिन इस पर अब भी गजब बवाल बना हुआ है। कासगंज से 102 किलोमीटर दूर बरेली के डीएम राघवेंद्र विक्रम सिंह ने हिंसा के दो दिन बाद फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कासगंज का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए सीधे हिंदूवादी ताकतों पर निशाना साधा। बरेली के डीएम ने फेसबुक पर लिखा, अजब रिवाज बन गया है, मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्ती जुलूस ले जाओ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। क्यों भाई, वे मुस्लिम पाकिस्तानी है क्या? यही वहां बरेली के सैलम में हुआ था कि पथराव हुआ, मुकदमे लिखे गए। राघवेंद्र विक्रम सिंह ने कथित राष्ट्रवादियों से पूछा कि चीन तो बड़ा दुश्मन है, फिर तिरंगा को लेकर चीन मुर्दाबाद क्यों नहीं है? इस पोस्ट पर बवाल मचा तो राघवेंद्र विक्रम सिंह ने इसे अपने फेसबुक पेज से हटा दिया। और इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ नवीन कुमार हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ ही साथ मौलाना साहब हैं और स्वामी दीपांकर जी। सबसे पहले मैं नवीन से शुरू करूंगा। नवीन, मुझे ये बताइए कि आखिरकार डीएम ने ऐसा कहा तो उसको इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि डीएम ने अगर कोई बात कह दी है तो हम उसका सम्मान करें। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जी ने सफाई मांगी है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सर्विस लॉस का उल्लंघन है, उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है? दीपक जी, मुझे लगता है ये है कि कोई भी सरकारी अधिकारी हो किसी भी विभाग के अंदर, उसके एक कार्य करने के एक मान दायरे और सरकार के प्रति सोच को आगे बढ़ाने का काम है। अगर डीएम को दिक्कत है तो उसने प्रशासनिक स्तर पर क्या काम किया? अगर उसे राजनीति ही करनी है, वो क्या बरेली का डीएम है भाई, बरेली के डीएम को अपने दूसरे साथी को, वो भी डीएम उसका साथी, उसको बता देता। मुझे लगता है ये कि अगर उसको राजनीति करनी है डीएम ने, तो खुल के राजनीति करे ना। अगर उसकी आस्था किसी व्यक्ति किसी संगठन में है तो खुलकर करे। इस प्रकार का किसी भी डीएम या किसी भी सरकारी अधिकारी को ऐसी बात कहना ना शोभा देता है। मुझे लगता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारें जो चलती हैं संविधान से चलती हैं, और अगर संविधान का उल्लंघन एक सरकारी अधिकारी करता है, वो भी उच्च पद पर बैठा हुआ सरकारी अधिकारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल, देखिए, अभी नवीन जी ने जो बात कही है कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कोई अधिकारी भाईचारे की बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि जो मुसलमान है वो भी हमारे भाई हैं, क्या वो गलत कह रहा है? वो ये कह रहा है, आप ये गलत बात करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, चारे की बात करी, मेरी बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुर्दाबाद का नारा लगाओगे तो गलत है। आप मेरी बात, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। सुन लीजिए भाई, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। सुन लीजिए, कोई भी समझदार आदमी इस बात को, उस डीएम के वक्तव्य को देखकर समझ सकता है कि वो क्या कहना चाह रहा था। उसने ये कहा कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चीन है, क्या उसने गलत कहा? उसने ये कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, चीन और बड़ा दुश्मन है, हिंदुस्तान के लोगों को मार रहा है। ना ना ना, 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 ना बात जवाब दीजिए ना भैया, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। नवीन जी, अगर आप ही को बोलना है, आपको दबंगे यहाँ दिखानी है तो मेरा बैठने का कोई असर, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे। आपने अपना वक्तव्य रखा, आपने पूरी बात कही, अब हमारी भी तो सुनेंगे। नवीन, कंक्लूड करें, अनिल कंक्लूड करें भाई। जो खाई इन्हें पाटनी चाहिए, जो एक क्षेत्र में कासगंज में वहां पर आज नफरत फैल गई है, जो खाई पाटनी चाहिए उस पर ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा के सांसद राजवीर सिंह वहां पर जाके एक पक्ष के पास जाके कहते हैं कि ये हमारा है और दूसरे पक्ष को दूसरा बताते हैं, तो इस तरीके से क्या नफरत नहीं फैल रही? वही केशव मौर्य जी जहां डीएम को सस्पेंड करने की बात करते हैं, अगर वो ये भी कह देते कि विनय कटियार ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल निंदनीय है, पाकिस्तान के लोग कहां से आ गए कासगंज में? किसने कहा बताइए, कहां है राहुल गांधी, कहां है केजरीवाल, कहां है राहुल गांधी केजरीवाल? छोड़ो भैया, ये बताओ कि पाकिस्तानी कैसे आ गए? आज चंदन पाकिस्तानी कैसे आ गए? आज तो आप किसी का सॉरी है क्या? आप राजनीति कर रहे हैं, दूसरी गण की दूसरे को आरोप। अरे कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट दीपांकर, ये मिस्टेक है। पाकिस्तान कहां से आया? पाकिस्तान कहां से आया मैं बता देता हूं। जिस चंदन गुप्ता को मारा गया उसके पिता ने कहा
कि मेरे बेटे से कहा गया कि कहो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने नहीं कहा। अरे आईजी का बयान आया भाई, आईजी का बयान आया, आप नकार रहे हैं क्या आईजी के बयान को? आप उन्हें शिष्टाचार सिखा रहे थे। हुआ ये कि जो चंदन गुप्ता के पिता हैं, जिस तरह से पेलू खान मारा गया था, तो जो उसके साथ थे उनकी जो बात कही गई वो मानी गई। प्रथम दृष्टया जो उसने अपने पिता से कहा, आप उसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? हाउ कैन बी पॉसिबल? क्या बात करते हैं आईजी, आईजी क्या होता है आईजी? मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना यह चाहता हूं कि कासगंज में तिरंगे के दुश्मन कौन है, पहला मेरा सवाल है। आप वकालत कर रहे हैं तो बताइए फिर कितने पाकिस्तान है जो, सर 3 सेकंड दीजिए खत्म कर दूंगा, कि कितने पाकिस्तान अभी हिंदुस्तान में और पनप रहे हैं। साहिबाबाद मेरे बाजू में लगता है दीपक भाई, वहां पाकिस्तान के झंडे फहराकर आज तक नारे लगते हैं। जो पाकिस्तान के झंडे फहराए उसे जो कड़ी से कड़ी क्या राष्ट्रध्वज करिए, क्या राष्ट्रध्वज आरोप मत लगाइए राष्ट्रध्वज। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद? पाकिस्तान तो मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। चलिए अच्छी बात की मौलाना जी, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, ये जानबूझकर मुसलमानों के मुंह में वो अल्फाज डालना चाहते हैं जिसको मुसलमान कभी कहना भी नहीं चाहता। वहां की जो खास रिपोर्ट है वो ये है, अब्दुल हमीद चौक पर मुसलमान इकट्ठे होकर तिरंगा फहरा रहे थे, कौमी तराना गा रहे थे, नीचे रंगोली बनी हुई थी, 20 बाइक सवार जो है वहां पर आए जिनके हाथ में भगवा झंडा था, और उन्होंने रंगोली मिटाई और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उन्होंने जो है ना मुसलमानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए जिस वक्त पार्टीशन हुआ, जो हिंदुस्तान का असली मोहब्बत करने वाला मुसलमान था उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वो हिंदुस्तान में रहे। मैंने बात मानी, अगर भगवा झंडे लिए लोग बाइक पर आए थे, अगर वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो इसमें झंडा फहराने वाले मुस्लिमों को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? मैं उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं मैं बात पूरी कर लूं। आपने कहा भगवा फहराने वाले, अरे भगवा फहराने वाले कौन थे? आप उनको हमसे जोड़ते हो, इस देश का इतिहास है और हर कोई कह सकता है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान के साथ। दीपक जी सर कटा सकते हैं लेकिन उसके साथ नहीं। मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे आरोप लगाते हैं। कासगंज जैसा वाकया सिर्फ कासगंज में नहीं हुआ, दिल्ली में भी हुआ है। अलीपुर में उसी दिन 26 जनवरी के दिन अलीपुर गांव में 20 बच्चे मस्जिद में घुस गए, इमाम को गालियां दी, मस्जिद के मीनार पे तिरंगा फहरा, वो भगवा झंडा फहराया, और वहां भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। राशिद साहब, चंदन को किसने मारा ये बताइए? चंदन को किसने मारा सर? चंदन को किसने मारा सर? मैं चंदन के मरने पर इतना ही शोक व्यक्त करता हूं जितना आप करते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं सर, किसने मारा चंदन को? बच्चा किसी का भी मरे, राशिद भाई चंदन को मारा किसने? सर जिसने भी मारा वो दोषी है, है ना दोषी? भी मारा वो दोषी। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर रही? मैं नहीं मानता उस चीज, क्यों नहीं बताती है? सरकार की नाकामयाबी है, पुलिस पूछे इस बात पर, नाकामयाबी है इनकी इस बात पर। नवीन भाई आपसे जवाब चाहिए कि जब कासगंज जल रहा था, आपके दोनों भी कहा वो कैलाश खेर लाइव देख रहे थे एटा के अंदर, और यही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है? एक मंत्री से पूछा कि कासगंज में क्या हुआ, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। मैं पहले स्वामी अकरम की जो एक आंख फोड़ी गई, आज वो बेचारा बिल्कुल एक आंख से माजूर हो गया, मालूम नहीं, लेकिन वहां पे अगर वो घटना इस प्रकार की, मैं भी निंदा करता। मगर जब सैफई में हुआ था और मुजफ्फरनगर जल रहा था, तब आप कहां थे? बिल्कुल मुझे पता था कि आप इस बात का जिक्र करेंगे, मैं इसका जवाब भी आपको देता हूं। देखिए जो मुजफ्फरनगर की घटना है, 63 लोग मारे गए थे साहब, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। बिल्कुल मैं जानता हूं उस घटना को, जानता हूं, और उसका उतना ही जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख हमें है। उसमें जितने भी आरोपी थे, सैफई महोत्सव देखिए पहले से होता हुआ है ना, आपको क्या यही घिसी दलील उन्होंने दिया? बताइए कैलाश खेर का पिछले साल क्या जानते हैं? नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। चिताओं पर राजनीति करना राजनीति की पुरानी आदत है भाई साहब। अब जब हमने क्या प्रोग्राम 10 सेकंड सुनेंगे, बोलिए ना 10 सेकंड सुनेंगे, बोलिए 10 सेकंड सुनिए। नहीं नहीं, अगर पुराना जल रहा हो तो मुजफ्फरनगर के जलने पर अनिल, मुझे मेरे सवाल का जो, अगर पुराना जवाब दे दूं फिर आप, पुराना सैफई अगर पुराना सैफई महोत्सव चल रहा था तो मुजफ्फरनगर के जलने पर सैफई महोत्सव करना उचित था, ये आपको लगता है? सत्ताधारी पार्टी के तौर पर आपको लगता है? जवाब दे रहा हूँ आपका। देखिए दीपक जी, जहाँ मुजफ्फरनगर की बात आती है तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जो दंगाई थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। संगीत सोम जिसने सुन लो भाई,
संगीत सोम क्या कहना चाहते हैं? अरे इसके अंदर की राजनीति छोड़ दीजिए भाई। संगीत सोम को जो दंगल का आरोपी था उसे जेल श्रेणी दे दी। सुरेश राणा को मंत्री बना दिया। दिवेंदु को सांसद आपकी पार्टी के खड़ा होने वाला नहीं है। लगातार देश में दंगे फैलाने का काम करते हैं आप लोग। ये आपके साथी लोग आप वापस ले रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं। भाजपा जी पाकिस्तान का समर्थन मिला जिन्होंने दंगे कराने चाहिए आपको। ये मुकदमे वापस लेने का काम कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप बताइए, आप मुकदमे डालते हैं झूठे। एक मिनट नवीन, नवीन बीच में नहीं, आप ही से पूछना है। दबंगे ही मत करो, वो तो आप लगातार देख नहीं, नहीं दबंगे मत करो प्लीज। सरकार सदा ये टीवी बिल्कुल एक मिनट देखिए राहुल गांधी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। हिंदुस्तान का मुसलमान, जैसे मैंने पहले कहा, आज अभी दोबारा उस बात को दोहराता हूं, हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तान से इतनी ही मोहब्बत करता है और बल्कि इनसे कहीं ज्यादा करता है। आपको याद होगा जंगे आजादी में 60,000 उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी हैं, 60,000। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई नहीं थी। ये लोग तो जंगे आजादी में अंग्रेजों के साथ खड़े दिख रहे थे, तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन फिर भी ये लोग उस हिंदुस्तानी मुसलमान को कहीं ना कहीं देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए हैं और जानबूझकर ये जो षड्यंत्र रचा जाता है देश के मुसलमान खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के। स्वामी जी आपसे तो देश के मुसलमान खिलाफ नहीं है, आपसे तो चंद मौलाना है आप जैसे। मेरी बात आप खाते कहीं और की है, बजाते कहीं और की है। जब आप नहीं, यही आपकी समस्या है, यही प्रॉब्लम है। मैं भी समस्या नहीं करता हूँ यहाँ पर, यही प्रॉब्लम है कि आप उन लोगों को, आप उन लोगों के प्रति जो जो किसी सवालों से घिरे हैं, मैं उन लोगों के साथ हूं। धर्म की शील्ड देना चाहते हैं, धर्म की शील्ड देना चाहते हैं। 15 साल के बाद तो ऐसे कई हिंदू भी हैं, बराना साहब चाहते हैं आम मुसलमानों को बरगलाकर मुसलमानों के खिलाफ झूठ बोलकर हिंदू वोट हासिल करना चाहते हैं। आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप इस देश को बढ़ना चाहते हैं। ये देशद्रोही आप हैं, देशद्रोही आप हैं, आतंकवादी आप हैं, सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। नवीन जी बीजेपी के लोग आतंकवादी हैं, आए दिन दस आपको आनी चाहिए। डूब मरो चुनरी पर पानी, देश ऐसे नहीं चलता। विकास के नाम पर आए थे झगड़े कर रहे हो, अरे विकास के नाम पर आए थे झगड़े कर रहे हो। ये झगड़ा कराने के लिए चुना था लोगों ने आपको। आज हिंदू भी त्रस्त है आपसे, नवीन स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी शर्म की बात है। राजीव भाई सुनिए, मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा हूँ, आपको तकलीफ है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आंसर दीजिए, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा हूँ। हाय हाय भाई, आंसर दीजिए। तकलीफ होती है केस में तो चंदन गुप्ता को क्यों मार दिया? चंदन गुप्ता को जिसने मारा है, मैं कहता हूँ उसको चंदन गुप्ता ऐसी कड़ी सजा दी है और उसके नाम पुलिस उजागर क्यों नहीं कर रही? क्या सर बिल्कुल जवाब वो अखलाक नहीं है? हम क्या वो प्रशांत पुजारी नहीं है? अगर उसमें क्या वो दलित में ये नहीं बोलेंगे कि अगलास के पास जाएंगे? अगर उसको अगर होगा तो आप यही तुष्टिकरण है। एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मुझे आप नवीन ये बताइए कि चंदन के घर से दो मांगे होंगी। पहला तो ये कि उसको शहीद का दर्जा मिले, ठीक है, दूसरा उसको 50 लाख मिले और तीसरा उसको सरकारी नौकरी मिले। आप की तो कैपेसिटी, आप इस मांग को मान सकते हैं? बताइए क्यों नहीं माना आपने? दीपक भाई आपने जो कहा कि शहीद का दर्जा मिले, वो आप समझ सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता किस प्रकार से संविधान, हम भाजपा तो संविधान के अनुसार से चलती है, बाकी पार्टियां संविधान को मानती नहीं, वो उनका कारण है। भाजपा दूसरा मैं आपसे बताता हूं, सुन लीजिए, वो भी हिंदुत्व के हिसाब से सुन, अगर संविधान के हिसाब से चलती है हिंदुत्व के हिसाब से ये हिंदुओं में भी राजनीति होगा, ये सब भी होगा। दीपक जी अक्रम के लिए किसी नहीं बोला था, नवीन भाई अक्रम के लिए किसी नहीं बोला था, नवीन भाई ये सब भी होगा, नवीन भाई नवीन भाई लेकिन कर देंगे पांच कर देंगे, अरे ये आप छोड़िए आप नवीन भाई नहीं, आप क्या बोलेंगे कि अक्रम को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बोलेंगे आप नवीन जी? बिल्कुल मिलो, अक्रम को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसके एक हाथ फोड़ देंगे ना, ये आप फोड़िए, आप फोड़ी, मैं बता रहा हूँ ना, किसने फोड़ी? आप लोगों ने फोड़ी और किसी ने देखा? और क्या, ये आपकी सोच है, यही आपकी सोच है सती नवीन। आज मुझे लग रहा है नवीन जी दीपांकर जी और बाकी लोगों से आप काफी हद तक एक बात घिर चुके हैं, तो स्वामी जी के जवाब का उत्तर बहुत सम्मान जवाब दे दीजिए। चंदन गुप्ता के आपको जो पिता उन्हें कितने का चेक पकड़ाया डीएम ने मालूम है सर? नहीं मालूम, उनको तो कुछ भी मालूम नहीं, उसका चार गुना उसका पिता देने को तैयार है सर। चंदन गुप्ता लौटा दीजिए, आप पूछे योगी जी से, वो सिर्फ एक ही बात सर बोलने दीजिए ना सर, जैसे चंदन गुप्ता का हादसा हुआ, घटना घटी, उसका पिता कहता है कि चार गुना पैसा मुझसे लीजिए, मुझे चंदन लौटा दीजिए। सर इसका अकरम का आंख चला गया, भाई साहब अकरम कह रहे हैं,
उसका आंख लौटा दीजिए सर। सेना को तो रोक नहीं पाए आप, फसाद फैला दिया पूरे देश में, उग्रवाद डाइवर्ट मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कासगंज में जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही।